और लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो साहब आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के की कहना चाहूंगा लोगों को। आज कल जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस दे संबंध विच आज मैं बाहरों आया सी ते मैं मंदिर दे विच मत्था टेकन आया। असी वख-वख मंदिरां दे विच मत्था टेकिया अते सारे जिन्ने भी हिंदू भाईचारा ते जिन्ने भी लोग ने इन्हां संबंधां दे सारयां नूं असी मेरे वल्लों ते मेरे परिवार वल्लों ते साडी संस्थावां वल्लों असी बहुत बहुत वधाइयां दिंदे आ। नाल ही असी एक प्रण लैंदे आ वी सारे जिन्ने भी संस्थावां ने शहर दे या जिन्ने भी एनजीओज ने अब मिल के एक लहर चलाईए भी जो भी नशे कारण पिछले अगर तुसीं देखा जाए 2 महीनों के 9 मौत हो चुकी हैं तो जो 2 हफ्ते देखा जाइए तो 5 मौत हो चुकी हैं। इस तरह के अपने बठिंडे के इन्ने 9 मौत होने 9 नौजवानों दियाँ या 9 परिवारों के जी चले जाना कोई बहुत छोटी गल नहीं है। आप सारे प्रण लीए और इस उपर असी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी बेनती करते हैं भी वह भी ये उत्ते आपकी चुप्पी तोड़न क्योंकि उन्होंने चुप्पी ये नशे के उपर कई प्रश्न खड़े करती है। असी उन्होंने तो आस करते हैं भी कल जन्माष्टमी मौके वो जो भी उन्होंने काबिलियत है चाहे 1 हफ्ता है या 15 दिन है या महीना है जो भी उन्होंने काबिलियत है वो आपकी काबिलियत मुताबिक सहु चकन भी असी आने वाले इन्ने समय के बठिंडे के बिल्कुल नशा खत्म कर देवे। जबकि एक वीडियो भी वायरल हुई है सुखरी रोड से जिसे पता लग रहा है भी शरेआम नशा विक रहा है। इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए वो इतों के हौली सौली इंचार्ज ने उन्होंने बठिंडा के एडमिनिस्ट्रेशन नाल लैके जो भी सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है ताकि परिवारों के जी ये नशे करके कारा के देखो चंगे चंगे परिवारों के जी भी नशे करके कारा के ही आपके दम तोड़ रहे हैं। इस दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई करके इस तरह ही हरिया भरिया माहौल जन्माष्टमी के मनाना चाहिए और इस तरह जी थोड़ी बहुत सजावट बठिंडे शहर के मार रोड से तो थोड़े इधर उधर 1-2 बाजारों पर हुई है। इस तरह की सजावट अपन लाइनों पार भी उन्होंने बेचारे ने भी कदे इस तरह की सजावट अज तक मैं देखा देखी नहीं है। उधर भी नगर निगम को चाहिए भी इस तरह की सजावट करन ताकि वह भी इस तरह के त्यौहारों का कुछ मजा चख सकन। तो ये सजावट या इस तरह की सजावट या इस तरह के अरेंजमेंट हर धर्म के त्यौहारों के करने चाहिए ताकि अपने आने वाली नौजवान पीढ़ी या बच्चे अपने पंजाब के हिंदुस्तान के सभ्याचार बारे जान सकन। हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी।